अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी MTS 301, यानी आपकी जो कैलकुलस 2 है उसके फाइनल टर्म का एक पास्ट पेपर लेके। तो इस वीडियो में हम उसकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। और जो मैथ 201 के स्टूडेंट्स हैं और 301 के, उनका पेपर ज़्यादातर सेम ही होता है। और सॉरी, थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेट है। काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स और ईमेल्स और व्हाट्सएप पे इनबॉक्स आ रहे थे कि वीडियो बना दें। तो एक तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इतना मतलब वेट कर रहे हैं हमारी वीडियो का, और दूसरा सॉरी कि लेट हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि मेरा फोकस बेसिकली था लेक्चर्स के ऊपर कि वो थोड़ा सा मैं लेट हो गए थे। तो मेरी ये कोशिश थी कि जब तक आपके पेपर स्टार्ट होते हैं तो मैं अपने जो हैं वो लेक्चर्स 45 तक पूरे कर दूं, ताकि एक वो आपकी जो सीरीज़ चल रही है वो कंप्लीट हो जाए। और अब ज़्यादा गुस्सा नहीं करना आपने, ठीक है? और अगर ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है तो ज़ोर से ज़रा लाइक का जो बटन है ना उसको प्रेस कर दें, सारा गुस्सा उस पर निकाल लें, ठीक है? ध्यान रखना कहीं गुस्से में इधर उधर निकल के डिसलाइक पर ना क्लिक हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इज़। अब ये जो है ना आपका आया हुआ है जी मिड टर्म से, ठीक है? इस दफ़ा जो स्प्रिंग 2021 है ना, इसके अंदर तो आपका मिड टर्म का सिलेबस नहीं आ रहा, तो जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर्स होंगे उनमें आएगा, ठीक है? तो ये वीडियो मैं वैसे बना रही हूँ तो इसमें आपको मैं थोड़े से जो मिड टर्म के इसमें आ रहे हैं ना MCQs वो भी सॉल्व करवा देती हूँ साथ में, ताकि इन केस अगर कोई आ जाता है पेपर में, क्योंकि हर दफ़ा जो पेपर आता है ना उसमें 20% आता होता है पीछे से, तो अगर आप लोगों का आ जाए कोई MCQ वगैरह तो आपको एटलीस्ट उसको सॉल्व करना आता हो। तो इसमें जितने भी आएंगे मैं बेसिकली आपको सारे MCQ सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है जी? अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताऊं, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि लेक्चर 44 और 45 लाजमी सुन लें, ठीक है? इसमें जो लप्लास ट्रांसफॉर्म्स हैं वो लाजमी सुन लें, दो लेक्चर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो अगर वो आप सुन लेंगे ना तो आपको ये पास पेपर ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। और जिन्होंने पहले लेक्चर्स लिए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको ये पास पेपर्स बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं, ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इज़। जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? देखें, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या बना रही हैं? प्लेन बना रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये कट करती हैं एक दूसरे को। तो जैसे इसको हम कहते हैं ना कि ये एक्स एक्सिस है और ये हम कहते हैं कि वाई एक्सिस है, और जब ये पूरा एक प्लेन बन जाता है तो इसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तो बेसिकली व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट दे मेक अ प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जी, प्लेन इज़ अ डैश सरफेस। प्लेन कौन सी सरफेस होती है? प्लेन इज़ अ टू डायमेंशनल सरफेस, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टू डायमेंशन होती हैं, एक एक्स के अलॉन्ग और एक वाई के अलॉन्ग। जो जी के अलॉन्ग होती है ना वो थर्ड होती है, लेकिन वो प्लेन के अंदर नहीं होती। तो प्लेन बेसिकली सिर्फ कितनी डायमेंशन पे होता है? टू डायमेंशन पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, स्ट्रेट लाइन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ। स्ट्रेट लाइन एक स्पेशल काइंड किसकी है? पैराबोला, क्योंकि सरफेस, कर्व और पैराबोला ये तीनों जो है ना ये थोड़ा सा कर्व फॉर्म में आ जाते हैं। तो सिर्फ एक प्लेन ऐसा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है। एन ऑर्डर ट्रिपल करस्पॉन्ड्स टू डैश इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। के ऑर्डर ट्रिपल का मतलब है कि आपके पास तीन नंबर्स आ जाएँ, जैसे एक्स y, z। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो ऑर्डर ट्रिपल होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? वो थ्री पॉइंट्स के इक्वल होता है, यानी थ्री पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर x, y और z। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल्स विच अ लाइन मेक्स विद अ पॉजिटिव x, y एंड z एक्सिस आर नॉन एज। आपके पास तीन अगर एक्सेस हैं, जैसे ये अगर x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है और इस तरह से एक z एक्सिस है, तो इन तीनों के साथ एक लाइन अगर जो है आ रही है, हमारे पास एक लाइन है कोई भी, वो ये वाली लाइन आप सपोज कर लें, इसका एक x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, एक इसका y एक्सिस के साथ एंगल बनेगा और एक इसका z एक्सिस के साथ एंगल बनेगा। तो ये जो तीन एंगल्स होते हैं ना इस लाइन के तीनों एक्सिस के साथ, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। तो यहाँ से हम डायरेक्शन एंगल्स वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। वट इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f(t) इज़ इक्वल टू f(t) इक्वल्स टी। अब देखें, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है वो लिखते कैसे हैं? बेसिकली आपने आप अगर एक फंक्शन है f(t) की फॉर्म में, आपने उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है। तो
तो आप इस तरह से उसके साथ ना एल लगा देते हैं, ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। अब एफ ऑफ टी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, टी दी हुई है, तो हम एल के साथ लिख देंगे इस एफ ऑफ टी की जगह पे टी। और अगर आपने लेक्चर सुना है तो आपको पता होगा कि जब एक कांस्टेंट नंबर आता है और उसका आप लैपलास ट्रांसफॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर ए है ना आपके पास और उसके लिए आप लैपलास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो आता है ए ओवर एस। इसी तरह से टी है तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा टी ओवर एस। आपसे अगर पूछा जाता कि फोर के लिए फाइंड करें तो वो आ जाता फोर ओवर एस। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता माइनस टेन के लिए फाइंड करें तो वो आ जाता माइनस टेन ओवर एस। यानी सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर आपके पास अगर आ रहा है तो फिर जब आप उसकी लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो क्या आती है, वन ओवर, इस तरह से टी ओवर एस आ जाएगी, वन की करेंगे तो वन ओवर एस आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से फोर की करेंगे तो फोर ओवर एस आ जाएगी, तो यहाँ पर ये टी ओवर एस आ जाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ पर टी ऑप्शन इन्होंने शायद मिसप्रिंट हो गए, टी ओवर एस आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल ऑफ ई पार 5t इफ़ एल डिनोट्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। एल जो है वो लैपलास ट्रांसफॉर्म को शो कर रहा है, ई पार 5t का आपने फॉर्मूला। अब ई पार जो है ना, पहले तो जनरल फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ई पार माइनस ए टी अगर आपके पास हो, आप उसके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म ओपन करना चाहते हैं तो देखें e की पावर में जब भी कोई फंक्शन आ रहा होता है ना तो आप उसको 1 के नीचे s के साथ प्लस करके लिख देते हैं, यानी 1 ओवर s प्लस, यहाँ पे a है तो वो a आ जाएगा। बेसिकली आपने ना इस a का साइन चेंज करके s के साथ लिखना होता है, यहाँ पे माइनस है तो आप उसको s प्लस a लिखेंगे। अगर हमारे पास ये होता e पार a t तो उसको हम लिखते s और a का यहाँ पे प्लस साइन है तो उसको चेंज करके माइनस a आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर होता लैपलास ट्रांसफॉर्म और e पार 4t तो उसको हम लिखते 1 ओवर s, इसका साइन चेंज करके माइनस 4, और अगर माइनस 4t होता तो उसका साइन चेंज करके प्लस 4 हो जाता। तो यहाँ पे जो हमें बेसिकली दिया हुआ है वो e पार 5t गिवन है, e पार 5t। तो जब आपने इसको ओपन करना है तो वो आप फॉर्मूला आ जाएगा 1 ओवर s, और यहाँ पे प्लस 5 है तो उसको साइन चेंज करके माइनस 5, तो 1 ओवर s माइनस 5। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सीख ली, कांस्टेंट नंबर हो तो आपने उस कांस्टेंट नंबर को सिर्फ एस के साथ डिवाइड करके लिख देना है, और अगर ई की पावर में कुछ आ रहा हो तो आप उसको वन ओवर इस फॉर्म में लिखते हैं कि एस के साथ उसका साइन चेंज करके लिख देते हैं, टी नहीं साथ में लिख देना आपने, सिर्फ क्या आता है यहाँ पे जो भी ए की वैल्यू होगी ना वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, मैच द फॉलोइंग पीरियोडिक फंक्शन विद इट्स ग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफ वाली बात आ गई है, तो देखें हमारे पास इस फंक्शन के अंदर ना तीन फंक्शंस गिवन है, हमें तीनों के लिए लिमिट्स अलग अलग दी हुई हैं, ठीक है। तो एक में देखें x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक है। अगर हम इसे y के हिसाब से देखेंगे ना तो थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं कर रहे, MCQs कर रहे हैं, तो हमें जो है वो शॉर्ट मेथड देखना होता है। तो हम x की वैल्यूज के हिसाब से देख लेते हैं, देखें x की वैल्यूज 0 से 4 तक हैं, तो इस ग्राफ के अंदर ये जो नीचे चार ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ ना मैं वैल्यूज सामने लिख देती हूँ क्योंकि स्क्रीन पे एक टाइम पे मैं आपको वैल्यूज़ और ग्राफ नहीं दिखा सकती। तो ये हमारे पास जो है ना तीन लिमिट्स दी हुई थी, ठीक है, फिलहाल मैं इनको इग्नोर कर रही हूँ तो सिर्फ लिमिट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इन लिमिट्स को देखते हुए अब इन चार ऑप्शंस को आपने देखना है। देखें जी, एक्स की वैल्यू जीरो से कहाँ तक है, पहले 4 तक, यानी 0 से 4 तक के लिए फंक्शन अलग है। तो एक्स की वैल्यू इसमें तो देखें 0 से 5 तक के लिए आ रहा है ना, या अगर हम एक फंक्शन की बात करते हैं, इस इक्वेशन की लाइन अलग होगी, इस लाइन की इक्वेशन अलग होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए लिमिट 0 से ये 2 के ऊपर आ रहा है तो 2 होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास तो 0 से 4 है तो ये वाला हम नहीं ले सकते। उसके बाद इसमें देखें तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 2 और 4 के दरमियान, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 3, यानी एक लाइन जब ये कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, 3 पे, तो ये तो लिमिट 0 से 3 तक आ गई, लेकिन हमें तो 0 से 4 तक चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाली को देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखें 0 से स्टार्ट हो रही है और ये पहली जो फंक्शन की लाइन है वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 4 के ऊपर, ठीक है, तो ये 0 से 4 यानी फर्स्ट वाली तो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन 4 से 10 तक जानी चाहिए, तो ये नेक्स्ट लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो इसके ऊपर देखें तो 10 आ रहा है, यानी 4 से 10 तक नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ रहा है, ये भी ठीक हो गया। अब तीसरी देखते हैं क्या ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 10 से 13 तक, तो ये 10 पे हमने स्टॉप किया था ना, फिर आगे हम ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये किसके इक्वल आ रही है, 13 के इक्वल, यानी नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल होगा 10 से 13 तक होगा, तो यानी तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं।
तो चौथा जो है उसको भी देख लेते हैं हम कि वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसके देख अंदर देखें एक्स की वैल्यू स्टार्ट तो यहाँ जीरो से हो रही है, लेकिन पहला फंक्शन जहाँ पे एंड हो रहा है ना वहाँ पे उसकी वैल्यू टू है, तो जीरो से टू तक लिमिट्स हैं, लेकिन हमारे पास जीरो से फोर तक है। तो यहाँ से हमें थर्ड वाला जो ग्राफ है वही कुछ सूटेबल लग रहा है, तो सी ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये देखें जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर, एक पोलर कोऑर्डिनेट हैं एक पॉइंट के जिनकी वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अनदर पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की आपने ना एक और पोलर कोऑर्डिनेट की रिप्रेजेंटेशन बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि क्या है, आपके पास अगर माइनस आर और थीटा गिवन है, ठीक है, और अगर आप उसे कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, आर के अंदर, यानी इस माइनस का ना साइन चेंज करके प्लस कर दें, जैसे यहाँ पे माइनस टू है और ऑप्शंस में आप देखें सबके साथ प्लस टू है, तो यानी आपने माइनस टू का साइन चेंज करके प्लस टू कर दिया, यानी आर का जब साइन चेंज करके आपने प्लस किया है, तो थीटा के साथ हमने क्या करना होता है, थीटा में ना आपने पाई ऐड कर देना होता है, ठीक है, पाई लिख लें या 180 लिख लें, तो वो आपने ऐड करना होता है, यानी यहाँ पे अगर हमारे पास है माइनस टू तो उसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा, और जो माइनस थ्री पाई बाय टू है उसमें आपने ऐड कर देना है पाई। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन होगा, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखें डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है ना हमने, तो टू और वन का एलसीएम तो टू आएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी टू सेम है, तो ये माइनस थ्री पाई एज इट इज़ आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें वन है, तो उसको टू इस जैसा टू बनाने के लिए हमें यहाँ टू से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, जब हम नीचे टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करते हैं, जो काम ओवर के नीचे होगा वही ऊपर भी होगा, तो ऊपर टू पाई बन जाता है हमारे पास, तो प्लस टू पाई। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस थ्री प्लस टू, यहाँ पे माइनस पाई ओवर टू, तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पे उन्होंने वैसे ये वाला लगाया हुआ है लेकिन ये ठीक नहीं है, हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पार एक्स इज डैश, ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अब देखें यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवा देती हूँ कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर आप एफ ऑफ एक्स को पुट करें, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आप उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दें और आपका आंसर दोबारा से एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ जाए, तो इट मींस के वो फंक्शन इवन होगा। जैसे एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप इसमें माइनस एक्स पुट कर दें, यहाँ भी माइनस एक्स पुट कर दें और इसकी जगह भी माइनस एक्स पुट कर दें, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब जब माइनस का स्क्वायर लेंगे ना तो वो दोबारा से एक्स स्क्वायर आ गया, यानी वो दोबारा से किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर एफ एक्स के इक्वल है ना, यानी ये दोबारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया जब हमने उसके अंदर माइनस पुट किया। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन, कि जिसके अंदर अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोबारा से वही बन जाता है। इसके दूसरी साइड पे अगर हम ऑड फंक्शन देखें तो उसमें अंदर क्या होता है कि आप इस एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट करते हैं ना तो आंसर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, एक्स क्यूब, आप देखें एक्स की जगह पे आपने माइनस एक्स पुट कर देना है और इस एक्स की जगह पे भी माइनस एक्स पुट कर देना है, इसका क्यूब लेंगे। अब ऑड पावर है तो माइनस ख़त्म तो नहीं होगा ना, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अब देखें ये माइनस तो एज इट इज़, एक्स क्यूब किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ एक्स की, तो इसकी जगह हम एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारा इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो इससे हम कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। लेकिन उसके दूसरी साइड पे जो ई होता है ना, ई की पावर में कुछ भी आ जाए, एक्स आ रहा है कुछ भी आ रहा है, ई का जो फंक्शन होता है वो ना तो इवन होता है ना ही ऑड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा ना तो फिर तो वो इवन होगा, अगर ये हम स्क्वायर लगा देते हैं एक्स में तो फिर तो वो माइनस एक्स पुट करने से प्लस हो जाएगा, तो वो इवन फंक्शन, यानी अगर इसकी पावर इवन नंबर आ रही है ना तो फिर वो इवन होगा। वैसे हम कहते हैं कि ई की पावर में अगर सिर्फ एक्स आ रहा हो तो वो ना तो इवन होता है ना ही ऑड होता है, तो हम उसे कहते हैं नीदर इवन नॉर ऑड। ई का फंक्शन हमेशा ना तो इवन फंक्शन की कैटेगरी में आता है ना ही ऑड फंक्शन की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो देखें, इसमें दो दिए हुए हैं फंक्शन, एक्स क्यूब और ई पार एक्स। अब एक्स क्यूब हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया है कि उसका नेगेटिव आंसर आता है, इसका मतलब है ये ऑड फंक्शन होगा, और ई पार एक्स जो है वो नीदर, यानी ना तो इवन होता है ना ही ऑड होता है। अब इसका
दो का अलग अलग हमने फाइंड कर लिया, तो एफ ऑफ एक्स एज अ होल क्या होगा, उसके लिए भी कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर लिए हैं तो आपको पता होगा कि जब आप दो इवन फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आंसर इवन ही आता है। अगर आप दो ऑड फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर फिर भी इवन आता है। अगर एक ऑड और एक इवन फंक्शन है तो आंसर ऑड आएगा, और अगर एक इवन एक ऑड फंक्शन है तो भी आंसर ऑड आएगा। ये प्लस माइनस जैसा है, जैसे अगर आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस फिर भी प्लस आता है, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस हो तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, या माइनस और प्लस हो तो फिर भी माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो उसी से मिलते जुलते ये रिजल्ट हैं कि जब दोनों सेम होंगे ना, दोनों इवन हैं या दोनों ऑड हैं, तो आंसर इवन आता है, लेकिन जब दोनों डिफरेंट हों, एक इवन एक ऑड हो जाए, एक ऑड एक इवन हो जाए, तो फिर आंसर ऑड नंबर आता है। तो यहाँ पर देखें, एक ऑड है और एक नीदर है, तो जब ऐसी कंडीशन बनती है ना कि जिसमें नीदर आ रहा हो, फिर एज अ होल वो फंक्शन नीदर होता है, ना तो इवन होता है ना ही ऑड होता है। एक भी अगर एन आ जाए, ओ इंटू एन आ जाए या ई इंटू एन आ जाए, एक फंक्शन ऑड है एक नीदर है, एक इवन है एक नीदर है, तो आंसर इसका नीदर ही होगा कि एज अ होल वो फंक्शन ना तो इवन कहलाएगा ना ही ऑड कहलाएगा। तो ये रिजल्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, एग्जांपल चेंज हो सकती है, स्टेटमेंट सेम तो नहीं ना आती होती, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, समझने चीज़ को, रट्टा नहीं लगाना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जी, सॉरी ये शीट है हमारी उसके बाद। अच्छा जी, इफ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, एक हमारे पास इक्वेशन है कर्व की, जिसमें आपसे कहा गया है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आपको आर थीटा, और उन्हें अगर हम चेंज कर दें माइनस आर थीटा में, देन द कर्व इज सेट टू बी सिमेट्रिक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ना तीन रिजल्ट्स आते हैं आपके, ये लेक्चर नंबर तो मुझे याद नहीं है क्या होता है उसके अंदर, देखें जी, अगर आप आर और थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं, आर थीटा को माइनस आर थीटा के अंदर, यानी आप जब आर का सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं, तो ये जो है ना, ये इसका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट पोल। पोल क्या होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है, तो इसे हम पोल कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से एक ग्राफ बना देती हूँ, आप इसे जब यहाँ से कट करेंगे ना, ये इधर और इधर सेम आ रहा है, सेम शेप बन रही है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। इसी तरह से अगर कोई ग्राफ ऐसा हो जिसको यहाँ से अगर हम कट करें तो ऊपर नीचे सेम आ रहा हो, वो होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जैसे ये वाला है, इसको आप पोल से कट करेंगे ना, तो ऊपर और नीचे सेम आ रहा है, तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं वो पोल के अलॉन्ग सिमेट्रिक होते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जिसमें हम आर की वैल्यू बस चेंज कर दें, माइनस कर दें, और थीटा वही रहे, तो वो ग्राफ पोल के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है। और दो और रिजल्ट्स भी हैं, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, कि आर थीटा में अगर आप थीटा का साइन चेंज कर दें तो वो सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस, और आर थीटा में अगर आप थीटा में थीटा को पाई में से माइनस कर दें तो वो इक्वल होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये तीन रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, आर का अगर आप साइन चेंज करते हैं तो वो पोल के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, अगर आप थीटा का साइन चेंज करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, अगर आप थीटा को पाई में से माइनस करते हैं तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है जी, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर टी। तो इसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले, कि वाई इज इक्वल टू हमारे पास होता है अगर ए साइन एक्स, तो जो ए है ना इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और ये जो x होता है, ठीक है, 360, इसके साथ अगर कुछ नहीं है ना, यहाँ पे बेसिकली हम n लगाते हैं, अगर कुछ नहीं है तो n की वैल्यू 1 होगी, तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है a साइन एन एक्स, ए को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये जो n है इसको अगर आप 360 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका पीरियड आता है, ठीक है। अब पीरियड क्या होता है, वैसे अगर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने बैठूंगी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जिनको अगर ये पता है तो वो बेशक वीडियो स्किप कर दें, तो मैं वैसे समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे कि पीरियड क्या होता है, ताकि आप लोगों जिन्होंने लेक्चर्स नहीं भी लिए उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, और जिन्होंने लिए अगर वो भी रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप लोग सुन सकते हैं, वरना आप वीडियो स्किप करके अगले क्वेश्चन पर चले जाएँ। अच्छा जी, पीरियड क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक ग्राफ है और ये ग्राफ ना खुद को रिपीट कर रहा है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ग्राफ की ऐसी शेप आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ की फिर ऐसे आ रही है,
ये ग्राफ इस तरह से आगे चलता जा रहा है। तो आप देखें यहाँ से अगर 0 थी x की वैल्यू, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 3 आ जाती है, यहाँ पे 4 आ जाती है, 5, 6। तो ये ग्राफ देखें ख़ुद को, 0 से 2 तक इसने जैसी शेप बनाई, फिर 2 से 4 तक भी वैसी ही है, फिर 4 से 6 तक भी वैसी ही है। तो ऐसे ग्राफ जो ख़ुद को एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट करते जाते हैं, ऐसे ग्राफ्स को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। ये जिस फंक्शन का ग्राफ होगा ना, उसे हम कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ना ग्राफ खुद को रिपीट करता जाता है। और ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, देखें 0 से 2 तक है ना, तो यानी 2 के बाद इसने अपने आप को दोबारा रिपीट किया है। तो इसका पीरियड जो होगा ना, वो क्या होगा, 2 होगा। ग्राफ से तो देख के हमें पता चल रहा है, लेकिन अगर फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से, फिर कैसे पता चलता है पीरियड? फिर आप 360 से n को डिवाइड कर देते हैं। n वो नंबर होता है जो x के साथ आ रहा हो, ठीक है, और a वो होता है जो इस साइन के शुरू में हो, वो एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब है इसकी हाइट कितनी है। अगर इसमें देखें ना, तो a की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है, 2 साइन 3x है फॉर एग्जांपल, तो 2 का मतलब है कि हाइट इसकी 2 होगी, यहाँ से y के अलॉन्ग 1 2, तो ये 2 के बराबर आपने इसकी हाइट लेकर जानी है, और 0 से 2 तक इसका जो है वो पीरियड है। अच्छा जी, अब इस एग्जांपल की तरफ आते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 3। तो साइन के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 होगा, तो एम्पलीट्यूड इसका क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली साइन के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, वो होता है। इसके बाद है जी ये, इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टीन्यूअस एट ओरिजिन। अगर एक फंक्शन ओरिजिन पे कॉन्टीन्यूअस है, इफ नॉट वाई, ये जो फंक्शन नीचे आपको दिया हुआ है, क्या ये ओरिजिन पे कॉन्टीन्यूअस है, और अगर नहीं कॉन्टीन्यूअस तो क्यों नहीं है। तो देखें यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करते हैं ना एफ ऑफ एक्स वाई की 0 0, यानी आप इसके साथ एक लिमिट लगा दें जिसमें एक्स वाई अप्रोच कर रहा हो 0 0 को, तो जब आप यहाँ 0 यहाँ 0 पुट करेंगे तो ओवर के नीचे तो 0 आ गया, तो एक्स वाई ओवर 0, या ऊपर इनकी जगह भी 0 0 पुट करें तो वो 0 by 0 फॉर्म, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया ना। ओवर के नीचे अगर आंसर आ रहा हो तो 0 आ रहा हो तो आंसर हमारा अनडिफाइन होता है, तो 0 नहीं आना चाहिए ओवर के नीचे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो लिमिट है ना, जिसमें एक्स वाई 0 0 को अप्रोच कर रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उसका आंसर हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। और क्यों नहीं है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो 0 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही, आंसर अनडिफाइन आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ लाइन इंटीग्रल इज डिवाइडेड इन, सॉरी, साइन ऑफ लाइन इंटीग्रल इज रिवर्स्ड व्हेन। लाइन इंटीग्रल ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल आपके पास ए से बी तक लिमिट्स हैं एक फंक्शन की, ठीक है, ये जनरल एग्जांपल दे रही हूँ मैं, लाइन इंटीग्रल की नहीं दे रही, सिंपल एक फंक्शन है आपके पास। तो जब आप इसकी लिमिट्स चेंज कर दें, यानी ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना आप बी से ए की तरफ आ जाएं, यानी आप ए ऊपर ले जाएं और बी नीचे ले आएं, जगह चेंज कर दी आपने, बी नीचे आ गया, ए ऊपर आ गया, तो फिर क्या होता है, आप इस इंटीग्रल का ना साइन चेंज कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट लाइन इंटीग्रल के अंदर भी है कि जब आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, या आप इसको चेंज कर देते हैं, आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से लिखते हैं ना हम लाइन इंटीग्रल को, तो आप जब डायरेक्शन अपनी चेंज करते हैं ना, तो जो साइन होता है उसका वो रिवर्स हो जाता है। अगर ये माइनस था तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, अगर ये प्लस था तो फिर ये वाला माइनस हो जाएगा, यानी बेसिकली साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट बन रहा है वो ये होगा कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स्ड, द साइन ऑफ लाइन इंटीग्रल इज ऑल्सो रिवर्स। तो साइन बेसिकली कब रिवर्स होता है, जब आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया है जी यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वॉलिस साइन फार्मूला। वॉलिस के लिए हमने जो है एक पूरा लेक्चर किया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 39 है या 38 है, कोई एक एन में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वॉलिस साइन फार्मूला। अब जो साइन का फार्मूला है ना, वो हमने दो चीज़ों के लिए पढ़ा था कि एन अगर इवन हो तो उसका फार्मूला कुछ और होता है, एन अगर ऑड हो तो उसका फार्मूला कुछ और होता है। क्या होता है फार्मूला, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जब n इवन होगा ना, तो उसकी ये निशानी है कि जो वॉलिस फार्मूला होगा ना, उसके अंदर पाई बाय 2 लाजमी आ रहा होगा, ठीक है। और वैल्यूज़ किस तरह से आती हैं, ऊपर n माइनस 1 ओवर n डॉट n माइनस 3 ओवर n माइनस 2 डॉट n माइनस 5 ओवर n माइनस 4, यानी क्या करना है आपने, ऊपर से 1 3 5 ऑड नंबर्स को माइनस करते जाना है, नीचे से
0, 2, 4, 6 इस तरह से इवन नंबर्स को माइनस करते जाना है। ये कब होता है? जब n इवन हो, ठीक है। और जब n ऑड होता है ना, तो ये वाला पार्ट तो सेम आता है, सिर्फ उसके साथ पाई बाय 2 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ऑड पूछा जाता तो सेम सीरीज आनी थी, लेकिन n पाई बाय 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होना था, ठीक है। तो हम यहाँ से ए ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखें n पाई बाय 2 है। जब n इवन है तो उसका मतलब है पाई बाय 2 तो आना ही आना है। तो पाई बाय 2 वाले सिर्फ दो बन रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, एक c और एक a। इसमें तो पाई बाय 2 नहीं है दोनों में, तो ये तो यहीं पे रिजेक्ट हो गए। इन दोनों में से अब करेक्ट वाला कौन सा है? इसमें ऊपर n है और नीचे n, ऊपर इवन नंबर्स आ रहे हैं, नीचे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वॉलिस फार्मूला होता है ना, उसमें ऊपर ऑड नंबर्स माइनस हो रहे होते हैं और नीचे इवन नंबर्स माइनस हो रहे होते हैं, तब तक जाना है आपने जब तक 1/2 नहीं आ जाता। आपकी बुक में क्या है, ये जो पाई बाय 2 है ना, ये एंड पे लगा हुआ है इस तरह से, इसके अंदर भी इस तरह से एंड पे लगा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने शुरू में लगा दिया, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो जाना। बेसिकली हो तो मल्टीप्लाई रहा है ना उससे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जी, व्हाट इज द लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s+1। इनवर्स आपने इसका निकालना है जी। देखें, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना e^at की, तो वो क्या आता है, या अगर आप -at ही लेते हैं तो वो 1/s, और इसका साइन चेंज करके प्लस ए, हम इस तरह से उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ओपन करते हैं। अब अगर ये l है तो l दूसरी साइड पे जाके l इनवर्स हो जाएगा, और 1/s+a का जब आप l इनवर्स लेते हैं तो वो ये आ जाता है e^at। यानी अगर आपको e^at का लैप्लास लेना है तो वो ये आ जाएगा, और इसका इनवर्स लेंगे तो दोबारा से ये आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है 1/s+1, और आपने इसका इनवर्स लेना है, यही लिखा हुआ है ना, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लेंगे तो उसको कैसे ओपन करें? 1/s के साथ कुछ हो तो इसका मतलब है वो e वाली टर्म आती है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि वो e वाली टर्म होती है। और यहाँ पे देखें 1 है, t के साथ जो वैल्यू होती है ना वो इधर आती है, तो यहाँ पे t के साथ इसका मतलब है 1 लिखेंगे हम। 1 लिखें या ना लिखें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब साइन चेंज करना होता है, हमने यहाँ पे प्लस 1 था तो इसका मतलब है इधर -1 आएगा। तो ये इसका अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास e^-t आता है, दैट इज़ द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 5/s²+25। अब यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलाज करने हैं। अच्छा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, पहले भी कहा है कि लेक्चर 44 और 45 आप लाजमी कोशिश करें, क्योंकि उसमें से MCQs बहुत ज़्यादा बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो MCQs ज़्यादातर आपने उनको जब तक आप पढ़ के नहीं जाएंगे ना, तो आपके ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे MCQs, ठीक है। तो लेक्चर 44 और 45 अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी भी करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आप छोड़ दें, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ दो लेक्चर्स ले लें और आपके पेपर की तैयारी हो जाए। तो वैसे मैं आपको कह रही हूँ कि वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उनको लाजमी ले लें आप, अगर आपने नहीं सुने तो। अच्छा जी, अब कुछ फार्मूलाज हैं। आप जब लेक्चर 44 सुनेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर डिटेल में बताने बैठूंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो प्रूफ वगैरह मैं यहाँ पे नहीं बता रही, लेकिन मैं सिंपल फार्मूलाज आपके सामने लिख देती हूँ। जब साइन ए टी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, और इसी तरह से कॉस ए टी का फार्मूला, यानी जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ओपन करते हैं ना साइन ए टी और कॉस ए टी के, तो उसके फार्मूलाज क्या होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। जब आप साइन का फार्मूला लिखते हैं ना, तो उसमें आता है जी ए ओवर s²+a²। और इसी तरह से जब आप कॉस का फार्मूला ओपन करते हैं तो उसमें आता है s/s²+a², ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखें 5/s²+5² दिया हुआ है, तो हम इसको अगर करते हैं 5/s² प्लस, ये 5 का स्क्वायर है ना बेसिकली, तो ये a/s²+a² वाली फॉर्म बन रही है, और वो किसकी है, साइन ए टी की, यानी एल इनवर्स जब उधर हो जाएगा जाके, तो इसका जब आप एल इनवर्स लेते हैं तो वो साइन ए टी आता है, और a की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, 5, तो ये बन जाएगा साइन 5t का फॉर्मूला। इस a की जगह पे आपने सिर्फ ये t 5 पुट कर दिया, तो ये साइन 5t फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारे पास आ रही है, ठीक है। कैसे पता चलता है, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं तो वो साइन वाला फॉर्मूला होगा। अगर ऊपर भी s हो नीचे भी s हो, दो s आ रहे हों तो कॉस का फॉर्मूला होता है, दो ए आ रहे हों तो साइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये निशानी आप लोगों ने रख लेनी है। इसके अलावा वैसे इसके अंदर दो और भी थे हाइपरबोलिक वाले, साइन एच ए टी था और एक कॉस एच ए टी, यानी हाइपरबोलिक फंक्शंस जो होते हैं। तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, सेम यही होता है, लेकिन इसके अंदर ना नीचे माइनस आ जाता है, s²-a², इस तरह से यहाँ पे s/s²-a².
नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस दैट करिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन। के आपके पास ये नीचे एक वेक्टर दिया हुआ है r ऑफ t, और इसमें एक i वाली टर्म है, एक j वाली टर्म है और एक k वाली टर्म है। आपने ना इसमें से पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालनी है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, मैं जनरल फॉर्म लिख लेती हूँ आपके सामने। r ऑफ t अगर इक्वल है x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j प्लस z ऑफ t k, यानी i के साथ x वाली टर्म, j के साथ y वाली टर्म और k के साथ z वाली टर्म आती है। आप जब इसमें से पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर अलग करना चाहते हैं ना, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, तो कैसे करते हैं देखें। ये जो x ऑफ t है ना, आप इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू x ऑफ t। ये जो y ऑफ t है, इसको हम y के इक्वल लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू y ऑफ t। इसको हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू z ऑफ t। तो इन्हीं को देखते हुए हमने यहाँ पे बनानी है। देखें, i के साथ जो होता है वो x ऑफ t की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे i के साथ 2t माइनस 1 है, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 2t माइनस 1। j के साथ जो होता है वो y ऑफ t की वैल्यू होती है, तो j के साथ यहाँ पे माइनस 3 अंडर रूट t है, तो वो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3 अंडर रूट t। इसी तरह से जो k के साथ होता है वो z t की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे k के साथ हमारे पास साइन 3t है, तो z की वैल्यू आ जाएगी साइन 3t। तो ये हमारे पास बन रहा है जी लास्ट ऑप्शन करेक्ट, जो इन तीनों वैल्यूज से मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने ये एक्स की वैल्यू होनी चाहिए थी लेकिन जी की लिख दी है, ये एक्स की होनी चाहिए थी लेकिन वाई की लिख दी है, ये एक्स की तो लिखी है लेकिन ये वाई की है तो उन्होंने जी की लिख दी है, तो ये तीनों तो रॉन्ग है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द डेरिवेशन डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है आपके पास, आपने उसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो r ऑफ t का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो उसके अंदर तीन वैल्यूज आ रही होती है ना, एक x वाली, एक y वाली, एक z वाली। आप इस तरह से कॉमर्स लगा के भी लिख सकते हैं और इसके साथ i, j और k लगा के भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर i, j, k लगा हुआ था ना, तो दरमियान में फिर प्लस आ जाता है, इसी तरह से यहाँ पे कॉमर्स भी आ सकते हैं अगर आप i, j, k नहीं लगाते। तो कॉमर्स लगाने का मतलब यही है कि पहली टर्म i वाली होगी, दूसरी j वाली होगी और तीसरी k वाली होगी। इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जब हम r ऑफ t का डेरिवेटिव लेते हैं तो x वाली टर्म का अलग से डेरिवेटिव आता है, y वाली टर्म का अलग से और z वाली टर्म का अलग से। तो x वाली टर्म cos 5t है, cos 5t का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस sin 5t आएगा, और कॉस के बगैर सिर्फ 5t का अलग से डेरिवेटिव लें तो वो 5 आता है, तो फाइनल इसकी फॉर्म बन जाती है माइनस 5 साइन 5t। इस तरह से 10t का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो 10t का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर t। और तीसरा है 6 साइन t, 6 तो एज इट इज, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस t होता है। तो ये तीन हमारे पास आ रही हैं वैल्यूज जो कि हमें थर्ड ऑप्शन के अंदर दी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। ये भी जो है करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे माइनस 5 होना चाहिए था और यहाँ प्लस होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें तो 5 डिवाइड हो रहा है, ये तो वैसे ही गलत है, और ये भी 5 डिवाइड हो रहा है, तो 5 तो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना हमारे पास यहाँ पे। तो तीनों का बस आपने क्या करना होता है, अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना होता है।